फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इस दुनिया में कैसे आए। आप कहोगे अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स कैसे आए, वो आए अपने पेरेंट्स से, और वो कैसे आए, वो आए अपने पेरेंट्स से। यानी कि कोई एक ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना इस चेन का, जहाँ से लाइफ ऑरिजिनेट हुई, यानी कि हम सब लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर कैसे बने वो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एजीगन यूट्यूब चैनल, अगेन करिए आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो लाइफ है ये ओरिजिनेट कैसे हुई, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आज रह रहे हैं इससे किस ऑर्गेनिज्म से जनरेट हुआ, यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म ऐसा कौन सा था इस अर्थ पे जिसने हम सारे ऑर्गेनिज्म को बना दिया। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक देखते रहिए, जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेबीएस हेल्डिन, उन्होंने 1929 में एक थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि जो हमारी लाइफ है वो सी वाटर से ओरिजिनेट हुई है, यानी कि समुद्र के पानी से ही हम उत्पन्न हुए हैं। जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मिला था वो सी वाटर में मिला था। अब वो कैसे मिला था, तो चलते हैं 3 अरब साल पहले। आप यहीं रुके रहिए। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट लाइटनिंग हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हुए थे एटमॉस्फेयर में 3 अरब साल पहले, और जितनी भी गैसेस थी, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, इन सबसे मिलके वो पास हुई और पानी में आ गई वो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। और वो एक हफ्ते तक इलेक्ट्रिक स्पार्क हमारे पानी में रहे थे, जिसकी वजह से पानी के अंदर जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल, जैसे मीथेन है हमारे CH4 से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें कार्बन प्रेजेंट था, तो वो कार्बन चेंज हो गया अमीनो एसिड्स में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से, और अमीनो एसिड से बन गए प्रोटीन्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बताया जाता है कि इसी वजह से ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि हमारी लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। अब फ्रेंड्स, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था सबसे पहला, वो था साइनोबैक्टीरिया। वो बना था हमारा, जो कार्बन था, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे बने थे पानी के अंदर, ये सब इकट्ठे हुए और एक ऑर्गेनिज्म बना दिया जो कि बैक्टीरिया था, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, ये साइनोबैक्टीरिया जो थे वो एक ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि अपना खाना बनाते थे सनलाइट और वाटर का यूज करके। अब सनलाइट और वाटर का जब ये यूज करते थे तो बहुत सी ऑक्सीजन इनके अंदर से प्रोड्यूस होती थी, तो इन बैक्टीरिया की वजह से हमारे पूरे एटमोसफेयर में, यानी कि अर्थ के एटमोसफेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई, जिससे कि और जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऑक्सीजन का यूज करने लग गए और वो भी उन्होंने जीना चालू कर दिया। और फ्रेंड्स, हमारी जो ओजोन लेयर बनी है वो भी इसी वजह से बनी थी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमारे O2 के मॉलिक्यूल्स O3 में कन्वर्ट हो गए और ओजोन लेयर बना दी, जिसकी वजह से जो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस थी उससे हमारी अर्थ बची रही और जो हमारे ऑर्गेनिज्म बने थे वो इवॉल्व होते गए, आगे चलते गए। तो फ्रेंड्स, काफी साल चेंजेस होने के बाद, अरबों साल तक ये चेंजेस आते गए और बैक्टीरिया का एवोल्यूशन हुआ और नए नए बैक्टीरिया थे, नए नए जीव बन गए पानी के अंदर। और फ्रेंड्स, इसी चेंजेस की वजह से जो हमारी अर्थ का जो सरफेस था वो ठोस होने लग गया, यानी कि पानी जो था वो भी ठोस बनने लग गया और एक कॉन्टिनेंट बन गया, जो कि हमारे वर्ल्ड का अब तक का सबसे पहला कॉन्टिनेंट है अर्थ पे जो बना था, वो था पेंजिया कॉन्टिनेंट, और ये कॉन्टिनेंट बन गया। अब फ्रेंड्स, 50 करोड़ साल बाद एक ऑर्गेनिज्म ऐसा पानी में मिला था जिसके आंख, दांत, जबड़ा, मुंह, जैसे आज की जो फिश होती है बिल्कुल उसी की तरह वो दिखता था। ऐसा एवोल्यूशन हमारा हुआ था बैक्टीरिया से, एक फिश की तरह एक एवोल्यूशन हो गया था 50 करोड़ साल पहले। तो फ्रेंड्स, ये एवोल्यूशन होने के बाद हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई और हमारी अर्थ के सरफेस से पेड़ पौधे स्टार्ट हुए उगना, यानी कि पेड़ पौधों की जनरेशन भी स्टार्ट हो गई। अब जो पानी के जीव थे वो हमारी अर्थ के सरफेस पे आने लग गए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे आ चुके थे, सनलाइट भी आ रही थी, तो ये अपना खाना बाहर भी बना सकते थे, तो इसलिए ये एवोल्यूशन हुआ। जो भी अंदर पानी के अंदर जो जीव रहते थे वो निकल के अर्थ की सरफेस पे आ गए और वहां पे एवोल्यूशन चालू हो गया। आज से 25 करोड़ साल पहले ऐसी एवोल्यूशन से डायनासोर का जन्म हुआ था। और फ्रेंड, डायनासोर का जो एंडिंग हुई थी वो हुई थी रेडिएशंस की वजह से, यानी कि सन की रेडिएशंस इतनी बढ़ चुकी थी कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पर थे 25 करोड़ साल पहले उनका डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि वो बिल्कुल खत्म हो गए यहाँ से, और जो छोटे छोटे जीव जंतु थे जो पानी में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, वो उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसे उनमें से थे बंदर, जो एप्स, जिससे कि हम लोगों का जन्म हुआ है। फ्रेंड, डायनासोर का जब अंत हुआ था तो वहां पर बंदर भी थे, और बंदर जब थे हमारे तब उनको कुछ हुआ नहीं था रेडिएशन की वजह से, इससे कि वो इवॉल्व हुए और आज ह्यूमन बींग्स हम बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा होमोसेपियंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ऐसी स्पीसीज है जो कि इस पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बराबर, यानी कि जो हम हैं, आप हैं, इनके बराबर बुद्धिमत्ता किसी भी स्पीसीज में नहीं है, किसी भी जीव में नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो को मैं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, बस आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है और रेड बटन दबानी है, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और वीडियो जो आए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। थैंक यू।